सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्त, आज की जो ब्लॉग है वो बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज का ब्लॉग में आप थंबनेल तो देख चुके होंगे दोस्त। आज के ब्लॉग में आपको धौनी का घर, जो कि रांची में है, रांची के इस जगह पर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे हरमू जगह का नाम है, और रांची में धौनी का पुराना वाला घर जो है, आप यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं। ये वाला जो घर आपको दिख रहा है, ये धौनी का पुराना वाला घर है रांची में हरमू में। तो आप देख सकते हैं गाइस, इतना शानदार और आलिशान है यहाँ पे। जबकि आपको बता दूं कि यहाँ पे शायद बहुत कम धौनी जो है, MS धौनी बहुत कम आते जाते हैं यहाँ पर, बहुत कम रहते हैं। इनका एक और नया वाला घर है जहाँ पे फार्म हाउस है उनका, वो है रिंग रोड में। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे रिंग रोड में, और धौनी का जो नया वाला घर है रिंग रोड में, वहाँ का आपको वीडियो हम दिखाएंगे, और वहाँ का आपका सीन दिखाएंगे कि धौनी का नया फार्म हाउस कैसा बना है, कैसा है। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये जो घर आपका दिख रहा है बंगला टाइप का है, वह धौनी का पुराना वाला सबसे पहले वाला घर है। तो चलिए हम थोड़ा सा गेट के पास से जा करके दिखाते हैं आपको कि वहाँ से आपको कैसा लगता है दिखने में। देख सकते दोस्त कितना आलीशान है। तो चलिए हम गेट के पास चलते हैं और वहाँ से आपको दिखाते हैं। तो देख सकते दोस्त कितना आलीशान है घर, और हम गेट के पास से चलकर देखते हैं, अगर गेट पे कोई होगा गार्ड वगैरह तो हम पता करते हैं। पहले यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स वगैरह सब, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह यहाँ पे रहते थे, तभी शायद यहाँ पे नहीं है। कितना आलीशान घर आपको लग रहा होगा, पुराना वाला घर है। अब आपके आपको नया वाला फार्म हाउस, अभी चलेंगे यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर आपको नया वाला फार्म हाउस मिलेगा, वो है आपका रिंग रोड में, तो हम वहाँ पे चलेंगे। तो गेट के अंदर देखते हैं गाइस, गेट के अंदर तो वैसा कुछ नहीं लग रहा है, कोई है नहीं गेट के अंदर, कोई नहीं है। अगर यहाँ पे कोई रहता तो हम कुछ पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे कोई है नहीं। तो दोस्त फिर हम चलते हैं उनका नया फार्म हाउस पे, और यह जो रोड देख पा रहे हो गाइस, यहाँ से अरगोड़ा पड़ता है आगे, और अरगोड़ा से राइट लेकर के कुछ दूर पड़ेगा, 8 से 10 किलोमीटर के अंदर ही उनका नया फार्म हाउस है। तो चलिए हम नया उनका घर पे चलते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग कि रिंग रोड स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से जो धौनी का फार्म हाउस है वो 2 से 3 किलोमीटर और रह गया है, गाइस देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस हम उस जगह पर अभी पहुंच गए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ रांची का रिंग रोड है। और रिंग रोड का मतलब आपको बता दें दोस्त कि रिंग रोड का मतलब रांची का जो यह रोड है, रांची के चारों बगल से गोल से पूरा घुमा हुआ है, यानी कि यह जो 4 लेन रोड है वो रांची के चारों बगल से घुमा हुआ है, इसी का नाम आपको रिंग रोड दिया गया है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि ये जो गेट आपको दिख पा रहा है, यही धौनी का न्यू फार्म हाउस का गेट है, और यहाँ पर कुछ सिक्योरिटीज वगैरह अंदर में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, लेकिन अभी इस टाइम बाहर में नहीं है तो अंदर में रहते हैं दोस्त। तो आप एक गेट आप देख सकते हैं इस टाइप से, यहाँ पे आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है, किसी को नहीं है। और गेट यहाँ पे है, इसके बहुत अंदर में इनका घर अंदर में है, बहुत अंदर में है, और ये गेट इतना बड़ा है कि आपको यहाँ से अंदर दिखेगा ही नहीं, इसलिए बहुत मुश्किल है आपको घर दिखाना। आपको घर का कोई भी वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा इनके घर का, आपको जहाँ तक मिलेगा सब इनका गेट तक का ही वीडियो मिलेगा। तो आप गेट देख सकते दोस्त कि गेट कितना शानदार, बहुत बड़ा गेट है और आपको अंदर नहीं दिखेगा। तो चलिए कुछ मैं आपको और बगल से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको दिख जाए तो फिर अच्छी बात है। तो आप नज़दीक से देख सकते हैं दोस्त कि कितना बड़ा आप यहाँ पे बड़ा गेट है, जिसके अंदर से देखना तो मुश्किल है। और इधर साइड में चलते हैं दोस्त, तो बताया जाता है कि इनका जो साइड में जो प्रॉपर्टीज वगैरह है, ये सब जो जमीन वगैरह खाली है, ये शायद इनका ही है। देख सकते हैं जो इनका जो घर है वारा सिमलिया में पड़ता है, ये यहाँ पर इनका बोर्ड लगा हुआ है। तो यह जो रिंग रोड में सिमलिया में घर, इनका जो नया फार्म हाउस है वो सिमलिया में पड़ता है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो शायद, अब हम भी कंफर्म नहीं है गाइस कि ये जो प्रॉपर्टी वगैरह, सब जो जमीन खाली वगैरह है, शायद धौनी का ही है, इससे कहा जाता है, लेकिन हम भी कंफर्म नहीं है।
और दोस्त यहाँ से जो गेट है, गेट से अंदर जाते जाते आपको अंदर में आपका वहाँ उनका जो घर है वहाँ पे अंदर में आपको घर मिलेगा। तो घर तो बहुत मुश्किल है देख पाना, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्त। और फाइनली आप यहीं तक का वीडियो आप देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस हम वीडियो को जो एंड करते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया दोस्त, रात का रात भी होने वाला है, पूरा शाम अंधेरा होने वाला है। और हम अकेला नहीं दोस्त, हमारे साथ एक दोस्त भी आया हुआ था, हम दोनों ही साथ में आ गए घूमने के लिए और एक ब्लॉग बनाने के लिए। तो दो आपको कैसा लग रहा है धोनी का घर देख करके? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कुछ देखने को मिला यहाँ पे? देखने को मिला, साथ में कॉफ़ी शॉप भी है बगल में, यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप भी है आगे पे। तो चलिए दोस्त फिर वीडियो को हम अगला ब्लॉग के लिए आप इंतज़ार कीजिए, हम जरूर अगला ब्लॉग को बहुत जल्द लाने की कोशिश करेंगे और कुछ यूनिक किसी तरह हट करके लाएंगे अगला ब्लॉग। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगला वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।